यार सब लोग बोलते हैं आओ यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए, आई मीन सॉरी ब्लॉगर्स बोलते हैं कि ये प्लेस बहुत हैपनिंग है, यू शुड विजिट वंस। साथ में ये भी बताया करो कि विजिट कब करना है, कौन से मंथ में करना है, कब यहाँ पे प्रॉपर। बहुत चलना हो गया आज भी। तो अभी फिलहाल तो ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे देखी थी, तो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी, और मैं जब आया हूँ तो थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो आई गेस कि अक्टूबर इज द राइट टाइम टू विजिट यार। तो मैं नमस्ते भाव लोग का सगा एंड वेलकम बैक टू चैनल आरएस के एंटरटेनमेंट ब्लॉग। और आज मैं अपने शहर नवी मुंबई के जिस नाम से फेमस है फ्लेमिंगो सिटी, उस सेंचुरी में आया हूँ जी। पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे गेट पे। अब देखते हैं यहाँ पे एंट्री पे कैसा क्या सिस्टम है। यहाँ पे जो है सब चार्जेस लिखे हैं। सो गेट से अंदर आते ही पहले हमें करने पड़ते हैं एंट्री कर रहा वो एक क्या देखते एंट्री में पूछा जाता है गाड़ी नंबर और अपना नाम हम ये करते हैं। यहाँ पर अभी टिकट काउंटर, तो पहले तो मुझे टिकट निकालनी है। अंदर आते ही जो है ना एम्बियंस बड़ा प्यारा है, मतलब जो ग्रीनरी 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 दिख रही है मेरे को। यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे जाना है मुझे अभी। और यहाँ पे पार्किंग का एरिया, अपनी गाड़ी खड़ी कर चुका हूँ, तो देखते अभी क्या एक्टिविटीज है, अंदर जाके पता चले। ये रहा टिकट काउंटर, बाहर वालों के लिए 50 रुपीज, अडल्ट फॉरनर 50, इंडियन फॉरनर 50, आई मीन इंडियन पर्सन 50। सो अभी जो है गाड़ी पार्किंग का 150 और इसका 50, ऐसे 200 रुपीज़ अपन ने टोटल पे किया है। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं इससे। तो टिकट लेते हो कि आंटी ने इन्फॉर्म कर दिया था मुझे कि यहाँ का जो है एसी बंद है, काम चल रहा है। तो सीरियसली अंदर आते हुए गर्म हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो कोई नहीं, मैं अकेला आया हूँ इस वक्त, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं बैठा है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शूट वेल नाउ। तो फर्स्ट इसमें आते ही एक प्रोजेक्शन रूम है, टीवी लगा है जिसपे यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो पहले वो देखूंगा मैं भी बैठ के थोड़ा अच्छे से, थोड़ी देर कोई है नहीं यहाँ पे तो शूट भी कर लेना। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता चली, जो मुझे नहीं पता थी, जो स्क्रीनिंग में दिखाई जा रही है। तो फ्लेमिंगो जो है यहाँ पर, ये मतलब 20,000+ फ्लेमिंगो खाने में क्रीक में ट्रेवल करते हैं। भाई पसीने से मैं पागल हो गया इधर बैठ बैठ के, तो आधा फिल्म छोड़ दिया मैंने। तो अभी जाते हैं यहाँ पे जो मरीन सी का जो है अंदर कॉलम, वहाँ जाते हैं। तो मस्त 3D में बनाया गया, वाव। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रूम है, ये बड़ा सा टैंक है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो कोई फिश नहीं है, कुछ नहीं है, एक ब्लोअर लगा हुआ है लेकिन पानी को वेव देने के लिए। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट मैसेजेस है विद सम फोटोग्राफ्स। दिस इज जस्ट ऑन मैसेजेस कि आपको क्या करना चाहिए अपने आप को, यू नो, वर्ल्ड को बचाने के लिए। दिस इज बेसिकली रिटर्न कि अपन अपने पृथ्वी ला कैसे वाचू शकतो, तो हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। So, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, द ब्लू व्हेल जिसे मैंने प्रेस किया, तो ये जो आप आवाज अभी सुन पा रहे हो ना, सो दिस इज बॉम्बे डक, बॉम्बिल टर्टल, इसका नाम नहीं लिखा है, इसका लिखा है इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, बांगड़ा, शेर फिश, दिस इज ऑल इंडियन फिश, इंडियन ओशन में मिलने वाले। सो दिस इज व्हाट, कोरल, ओके, ये कौन है, वाओ, इन डॉल्फिन की आवाज है। दिस इज सी स्टार फिश, पापलेट, पापलेट सी उर्चन, पंटक काटे गए था, ये क्या उड़ने वाली मछली, ये सिल्वर पॉपलेट जो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको,
पॉपुलेट हो, खाते भी यार हम लोग को। ये उड़ने वाली मच्छी कौन सी बतानी है, उसके बारे में कुछ दिखानी है। एंड दिस इज द बिग कोस्टल मरीन, मतलब अपने अपने मरीन्स में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, इंडियन कोस्टल मरीन्स में। तो इनके फोटोज है सारे। सी हॉर्स भी मिलता है, सी हॉर्स है जो मुझे देखना है लाइव, जो एक्वेरियम में है अपने मुंबई के, लेकिन वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो दिस वॉज द सेकेंड थिंग, बिल्कुल मेंटेन नहीं है फिलहाल ये। और ये थर्ड क्रैब वाला चीज़ है, फ्लेमिंगो, लेसर फ्लैमिंगो। इनकी आवाज सुन रहे हो, बर्ड्स ऑफ टॉनिक क्रिक। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन में है तो ये चीजें भी हम देखते हैं। ये देखा हमने अभी, फर्स्ट द ग्रेटर फ्लेमिंगो फीडिंग इज चिक्स। तो ये था ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो फीडिंग, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ से राउंड घुमा रहा हूँ मैं, और यहाँ से प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन में दिख रहा है। ये क्रैब्स एंड द वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ये उसका है। तो यार इस मोमेंट पे फिर से मेरा जो है माइक बंद पड़ गया था। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो है प्रोजेक्शन में नेकेड आई से देखने के लिए मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था रेदर देन कैमरा। और कुछ और भी स्पीशीज़ के इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कम्प्लीटली, जो मैं आगे आपको बता। बेसिकली ये एक्सप्लेन किया गया, जब हाई टाइड होता है तो पानी में ये सब मिलते हैं, तो लो टाइड होता है तब वहाँ पर बर्ड्स शिकार करते हैं। आई जस्ट सजेस्ट, जैसे मैंने बाहर टिकट काउंटर पे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि बोट वोट जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होती है, तो आई गेस अक्टूबर में थोड़ा मेंटेन रहेगा ये। दिस इज नॉट एट ऑल मेंटेन राइट नाउ, मैं अकेला घूम रहा हूँ। देखा अपने एक आई थी फैमिली, वो भी ज़्यादा रुकी नहीं, इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे, इतने एसी में से एक एसी चल रही है, ये सारे टच स्क्रीन जो है वो बंद है। नॉट रियली हैप्पी, बस 200 रुपये दिया है। लेट्स गो टू द अनदर वन, अब दूसरे जगह पे सेम ऐसा जो है दूसरे जगह पे वो करता हूँ। बाहर का एम्बियंस बड़ा प्यारा है, बाहर का एम्बियंस बड़ा प्यारा है। ओ वाह, जरा फ्रेश हो यार। दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल, पॉन्ड में फिश है। लिटरली ट्राइंग टू कम आउट। अभी मैंने ये विजिट किया, अब जा रहा हूँ वहां पर, वहां देखते क्या है। तो ये सेकेंड वाले म्यूजियम में सारे स्टैचूज बनाए गए हुए हैं, तो टर्टल्स के, फ्लैमिंगो के, और यहाँ पे जो भी बर्ड्स एक्वा बर्ड्स यहाँ पे है उनके बड़े बड़े स्टैचूज हैं। तो आप ये भी आके एंजॉय कर सकते हैं, लुकिंग ब्यूटीफुल। तो दिस आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोर्टोइस टर्टल्स, और इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे, नीचे नाम दिया है, ग्रीन ऑलिव लेटर ब्लैक हॉगबिल लॉगहेड। So these are different types of turtles and how tall they are. So this is in feet. Right, standing over here. So my height is 5.5. Come over here, right? My height 5.6. There's a shoe.
शॉप हो या टॉयज का। यहाँ पे जो लगा है ना ग्लास में फ्लेमिंगो और ये दूसरा बर्ड एकदम रियल लग रहा है, रियल फेदर्स लगाए गए इसको। तो एज आई शोड यू यहाँ पे जो था फ्लेमिंगो और बर्ड्स का और टर्टल्स का था मॉन्यूमेंट जैसा बनाया था स्टैचूज, और वहाँ पर उनके इन्फॉर्मेशन का था। एंड यहाँ पे लोग भी थे तो वहाँ पे एसी वेसी ऑन थी थोड़ा बहुत। तो अब जो है बैम्बू ब्रिज है आगे जाके लेफ्ट, तो वहाँ पे पहले अटेंड करते हैं। अभी बोटिंग जैसे फिर से बता, तो बोटिंग जो है बंद है, अक्टूबर में स्टार्ट होगी बोला उन्होंने। कुछ तो बड़ा बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे जो देख के समझ में आ रहा है ना स्केलेटन का शेप का है कुछ, तो कुछ तो इन लोग बनाएंगे या फिर ये बना के टूटा हुआ है। तो अभी फिलहाल तो ये चीज़ मैंने YouTube पे देखी थी, तो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी, और मैं जब आया हूँ तो थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो आई गेस कि अक्टूबर इज़ द राइट टाइम टू विजिट या, तो मैं होपफुली अक्टूबर में फिर से एक बार आऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो जो देखने मिल रहा है अपन देख रहे आपको सजेस्ट के हिसाब से बोलूँगा कि अगर बच्चे बच्चों को लेके आ रहे हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत इन्जॉय करेगा। एडल्ट्स आ रहे तो अभी आई डोंट थिंक सो इतना इन्जॉय होगा कुछ उनको। यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, यहाँ पे आई गेस टर्टल्स रियल टर्टल्स रखने वाले, बिकॉज टब वब दिखा मेरे को, मैंने झाँक के देखा। तो ये रहा बाम्बू ब्रिज के लिए रोड। गार्डन एरिया तो बड़ा ब्यूटीफुल रखा है उन्होंने, मतलब प्लांट्स और जो है ना वो सारे अच्छे हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, क्रोकोडाइल भी रहता है। तो ये सारी चीजें है, एक्टिविटीज है, लेकिन फिलहाल नहीं है ऑफ सीजन, इनका भी ऑफ सीजन है। यहाँ पे देखो खाड़ी है नीचे, सिक्योरिटी बैठे थे। तो यहाँ पे एक्चुअली बैम्बू ब्रिज नहीं, यहाँ पे बोटिंग वाला एरिया जो बंद है, और टिकट पूछा मेरे को, निकाला है नहीं निकाला, क्योंकि लोग ही नहीं है, तो मैंने दिखा दिया भाई मैंने निकाला है टिकट करके। चलो बैम्बू ब्रिज की तरफ जाते हैं। सो मैंने उनको फिर से मैं यूटर्न ले लिया, और मैंने पूछा कि अंदर विजिट कर सकते क्या, बोट्स तो देख लो एटलीस्ट कुछ नहीं तो। सो अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो लो टाइड है, खाड़ी दिख रही है आपको सूखी हुई, बोट्स सब खड़े हैं, तो बोटिंग इसलिए बंद है। ये जो फ्लेमिंगो के बोट्स है आप देख सकते हो, इसमें टूर होती है और वहाँ पर ग्राउंड होता है, और ये उन्होंने मुझे अप्रॉक्स अक्टूबर बताया। तो चलो कोई नहीं, अब जाते हैं बैम्बू ब्रिज की तरफ, बहुत चलना हो गया आज भी। तो ये जो ब्लू कलर का रैम्प दिख रहा है ना आपको, ये रैम्प पूरा जा रहा है वहाँ तक, लेकिन जहाँ का मतलब नहीं है कि बोट्स तो बंद है। सो अब बैम्बू ब्रिज की तरफ जाता हूँ। जो मेरे अंदर की चूल्हे ना वो मुझे जाने नहीं दे रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये ब्लू वाले रैंप पे वहाँ पे जाके लोग खड़े हैं तो पता नहीं वहाँ पे बोट पे मिल जाए। तो अब आधा रास्ता आ गया और मुझे शॉर्टकट मारना है, वो पुगाड़ देख नहीं रहा हमें, यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया बीच में। मुझे जानना है कि वहाँ तक जाके क्या है, जब फ्लेमिंग को तो दिखा नहीं, यहाँ से बैम्बू ब्रिज पे जाएंगे नहीं मिला, तो यहाँ पे तो दिख तो रहा है कम से कम क्रीक। तो चलना स्टार्ट कर दिया अपने इस पे, और ये जो इनके बोर्ड्स है जो अभी फिलहाल बंद है, तो वो सीट्स और वो सारी चीज़ें रखी होती है, पूरा पैक हो गया है कीचड़ से। स्पीड बोर्ड्स वन विभाग, जिन लोगों को देख के मैं चल रहा था ना वो तो रिटर्न आ रहे हैं अभी यहाँ पे, जाके पता चलेगा क्या सीन है, मतलब बोट जा रही कि नहीं जा रही। भाई यार बोट तो खड़ी है वहाँ पे, पूछ लेते जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो हरा भरा समुंदर वाला जंगल, यहाँ पे पानी है थोड़ा सा। बहुत जानने का शौक था, कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन यार हवा बड़ी प्यारी चल रही है और बोट सब बंद है। वो एक बोट पानी है वहाँ पे, लेकिन वो यहाँ तक आएगी नहीं, बिकॉज सब पानी नहीं यहाँ पे। और वो ब्रिज जो हमेशा मैं ट्रेवल करता हूँ वहां से देख के, मैं सोचता था यार अभी तो नहीं दिख रहे, इट्स नॉट अ राइट मंथ, आई एम रॉन्ग टाइम। तो अगर आपको आना है तो फिर से देख रहे हो ब्लॉग बीच में से, तो इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पे आने का सही टाइम जो है वो अक्टूबर और उसके बाद है, धूप में नहीं होते यहाँ पे, कुछ फोटोज भी नहीं निकाल सकते।
कुछ हासिल नहीं किया मैंने इतना लंबा चल के, कुछ नहीं यहाँ पे, और फ्लेमिंगो तक नहीं दिखा मुझे। सिल्वर दिख रहा अभी, सन पी रहा हूँ मेरा सर के पीछे। लेकिन चलो वॉक हो गई मेरी एक लंबी चौड़ी, यहाँ पे फाइनल अपना बैम्बू ब्रिज बचा है वो करके अपन निकलते हैं घर के लिए। जिनको मालूम है उनको ठीक है, जिनको नहीं मालूम बता दूँ, ये जो अभी आप नीचे देख रहे हो ना, ये जब भर्ती आती है पानी, हाई टाइड आता है, तो ये चीज़ जो है फ्लोट होकर ऊपर आती है, उस लेवल पे आती है और ये फ्लोट होता है। अब फिलहाल ये स्टेबल है क्योंकि बोट्स भी देख सकते हो, सब कीचड़ में पानी आएगा तो ये ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बोर्ड वॉक के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ जाके कुछ है क्या। चलो फाइनली वहाँ पे जो है बैम्बू ब्रिज है। चलो तो एक चीज तो है यहाँ पे एक्साइटिंग, जो है बैम्बू ब्रिज जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी यार, मैं अभी स्टार्टिंग में डालता हूँ मैं ये चीज कि यार सब लोग बोलते हैं आओ यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए, आई मीन सॉरी ब्लॉगर्स बोलते हैं कि ये प्लेस बहुत हैपनिंग है, यू शुड विजिट वंस। साथ में ये भी बताया करो कि विजिट कब करना है, कौन से मंथ में करना है, कब यहाँ पे प्रॉपर यू नो चीज़ें मिलती है। दैट्स इट यार। अच्छा तो ये पार्ट तो अच्छा है, कम से कम पैसे वसूल वाला, आई कैन शो यू अच्छा वाव है। सो एटलीस्ट ये पार्ट मुझे थोड़ा तो अच्छा लगा, इधर भी चलने के लिए तो फट रही है मेरी, साले कौन सा बांबू टूट जाए और नीचे गिर जाओ पता नहीं चलेगा, बट स्टिल हैविंग फन। अभी मैं चला हूँ ना, ट्रस्ट मी मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई हॉरर फिल्म शूट कर रहा हूँ मैं, तो इतना साइलेंट है, बर्ड्स की आवाज़ और प्लेजेंट भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये तो सीन से देखो यार हॉरर टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें से कोई अभी अचानक से जंप करके आ जाएगा मेरे ऊपर, बोल के खुद को ही डरा रहा हूँ मैं। और जो देख रहे हो ना आप, इतने पुराने हो चुके हैं, चलो मेरा वजन तो कम है तो मेरे को डर नहीं है, पर ये बैम्बूस बहुत पुराने लग रहे हैं मेरे को, मेरा वजन कम है तो मुझे तो नहीं गिराएगा। स्टिल कब ख़त्म होगा ये, कहाँ ख़त्म होगा। ओके फ्रेंड्स, आई एम नॉट अलोन, फाइनली मुझे वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। फाइनली आई गॉट टू सी जस्ट वन फ्लेमिंगो ओवर देयर, वहाँ पे है कुछ और छोटे मोटे फ्लेमिंगो, पर इतना चलने के बाद वर्थ है बिकॉज ब्रीज अच्छी चल रही है। मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे था, बोट जो दिख रही है ना वहाँ पे, वो जो दिख रही है बोट, वहाँ पे मैं जाके आया था, ये पूरा ऐसा राउंड घूम के मैं आया हूँ, वो जो रहा ब्रिज। सो देयर ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉइंग, मैं अकेला था, मैंने ले लिया अपने फुटेजेस, आई एम लिविंग नाउ टू लॉन्ग, मतलब मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो कहा तो ये ब्रिज है, लेकिन वर्थ है उधर पहुँचने का, इतने फ्लेमिंगोज नहीं दिखे, आई जस्ट सॉ वन फ्लेमिंगो ओवर देयर। मुझे यहाँ पे एक खेकड़ा दिखा, नीचे तो नहीं उतर सकता, ट्राई टू कैप्चर इट। भाई दोनों के दोनों दो अलग स्पीशीज दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये अरे कहाँ गया वो लंबा सा था दूसरा वाला, यही है शायद। सो ये ब्रिज चलते चलते एंड कर देते हैं अपन लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कह दूं मैं कि यहाँ आने का राइट टाइम जो है इट्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बस फरवरी से धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद हो जाती है। एंड अब इस टाइम पे आओगे गर्मी में तो आपको यही चीज़ मिलेगी जो मुझे मिली है, फ्लेमिंगो हार्डली मुझे दिखा, एक या दो थे वहाँ पर, बाकी वो फोटो में और वीडियो में दिखा मेरे को टीवी पे, तो दैट्स इट। तो ये मंथ में मत आना, एडवाइस है मेरी, समर विंटर में आना है, समर में नहीं आना है। सो लेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अभी क्या है कुछ है नहीं स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा एड ऑन करके, ज़बरदस्ती मतलब नहीं है, सारे शॉर्ट्स तो मैंने ले लिए, तो बीच बीच में ऐसे झाड़ वाड़ आते हैं डर लगता है, ये बीच में जो है ना बाकी सब ठीक है, बीच में जो काले पीले पीले वाले तो अच्छे रहते, काले वाले बीच में थोड़ा सा डर लग गया था मेरे को, लेकिन अभी इतने लोग गए मेरे से तो थोड़े ज़्यादा वेट वाले भी थे वहाँ पर, तो उनका संभाल सकता है तो मुझे तो संभाल सकता है।
आई एम टू टायर्ड, बहुत चल लिया मैंने, बहुत चल लिया। और बैम्बू पे भी देख सकते हो, जिनको नहीं पता उनको बता दो, एवियन का पेशेंट हूँ, मेरे जॉइंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट आई लव टू ट्रैवल। ये सुन के तो लाइक मार दो कम से कम यार, इतना चल लिया मैंने आज। तो लेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, टेक केयर।